आज वाली वीडियो में गाइस हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे स्कारफॉल 2.0 के नए अपडेट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे स्कारफॉल 2.0 के नए अपडेट यहाँ पे जल्दी गाइस आपको देखने मिलने वाला है। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो शायद से आपको नया अपडेट मिल भी गया होगा। इसके अंदर सबसे बड़ा जो पहला चेंज हुआ है वो है यहाँ पे अल्ट्रा ग्राफिक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसके अंदर अल्ट्रा प्लस एक्सट्रीम मेरे फोन में भी यहाँ पे सपोर्टेड यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी बात करें जिस वाले अल्ट्रा ग्राफिक्स की, जो सारा कुछ आपको डिटेल में दिखाऊँ कितना कुछ यहाँ पे आपको डिफरेंस इस वाले ग्राफिक्स के अंदर मिलेगा। और नेक्स्ट वाली वीडियो में मुझे आप बताना कि ओल्ड वाले जो ग्राफिक्स मतलब हाई प्लस एक्सट्रीम मतलब ओल्ड वाला जो हमारा जनता उसके और इसके अल्ट्रा प्लस एक्सट्रीम के अंदर हमें कंपैरिजन वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं। बाकी लॉबी के अंदर के हमें एक बड़ा चेंज नजर आया कि लॉबी का जो हमारा कैरेक्टर उसके ऊपर अभी ज्यादा लाइट हमें जो है शोकेस की हुई नजर आ रही है। अब मैं आज को फटाफट से ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखा जाऊंगा गन्स के अंदर एक चेंज हुआ है। ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर भी गन्स के अंदर आपको यहाँ पे कोई भी एमओ लेने की उठाने की जरूरत नहीं। अगर आपको ट्रेनिंग करनी है तो बार बार एमओज खत्म होती थी, फिर बार बार हमें एमओज उठाने पड़ती थी, इसके ऊपर हमने पिछले बात भी की थी। पर फाइनल गाइस इसके अंदर अभी अनलिमिटेड एमओ दे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो फाइनल गैस हमें कैरेक्टर की शैडो गैस गेम के अंदर दे दी गई। अभी तक गैस हमें कोई भी कैरेक्टर की शैडो गैस यहाँ पे नजर नहीं आती थी, पर अब फाइनल गैस न्यू अपडेट के बाद गैस हमें कैरेक्टर की शैडो यहाँ पे गैस जो है इंट्रोड्यूस करा दी गई। उसके बाद यहाँ पे एक थ्रोएबल के अंदर एक अपडेट आया, जिसके अंदर आप यहाँ पे देखोगे तो थ्रोएबल को गैस अभी हम यहाँ पे इनका डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर, डायरेक्शन हम इसे बोले या फिर जो है थ्रो करने का यहाँ पे स्टाइल बोले या ऐसा, मतलब आपने देखा होगा दूसरे बैटर्स के अंदर तो ऐसा एक क्लोज में थ्रो करने के लिए मतलब होता है और एक ऐसा दूर थ्रो करने के लिए होता है, तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पे जो है इसके अंदर एक ऑप्शन दिया गया और ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। अब एक पबजी के अंदर भी था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, नीचे था शायद से ऐसे राउंड सर्कल में, जिसके अंदर गैस हम उसको अगर सिलेक्ट करते थे तो ऐसे नीचे से फेंकता था और अगर दूसरा वाला हम यहाँ पे सिलेक्ट करते थे तो ऊपर से फेंकता था, है ना। तो ऐसे दो कुछ हमें ऑप्शन यहाँ पे नजर आते थे, पर इसके अंदर गैस कुछ अलग ही इन्होंने ऑप्शन दे रखा है जो कि बढ़िया काम करता है। और ये थोड़ा बहुत मतलब हमारा फेंकने का यहाँ पे जो सेटिंग है जो कि हम यहाँ पे चेंज यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ ये सबसे पहला गाइस हमें इसके अंदर चेंज मिला है गाइस, तो मतलब दो चेंज तो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हमें हम आ चुके हैं अभी टीडीएम मोड के अंदर। टीडीएम मोड का मैंने 44 आइसलैंड वाला मतलब जो मैप है उसको यहाँ पे लगाया और इसके अंदर भी बहुत ही बढ़िया चेंज यहाँ पे हो चुका है। थोड़ा मैप भी डार्क साइड हो चुका है और जो लाइटनिंग इफेक्ट इन्होंने डाला है वो स्पेशल हमें कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे मिलता है। वही आप यहाँ पे टॉप पे देखेंगे ऊपर तो वहाँ पे आपको पूरा मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत स्मोकी वाला है, थोड़ा बहुत मतलब जो है बर्फीला वाला वेदर, मतलब बर्फ गिरते हुए जैसा इफेक्ट आता है वैसा इफेक्ट यहाँ पे देने की कोशिश की है। पहले क्या होता था, नॉर्मली ऐसा सा एकदम सिंपल सा क्लियर सा कुछ ऊपर का पूरा व्यू नजर आता था, वो भी अगर आप चाहो साइड बाय साइड में आपको कंपेयर करके दिखा दो वो भी आपको भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो उसके अंदर कैसा था कि ऊपर का पूरा गैस हमें क्लियर व्यू यहाँ पे आता था, पर अब की बार आप यहाँ पे देखोगे तो थोड़ी स्मोकी वाला इफेक्ट डाला और यहाँ पे जो लाइटनिंग वगैरह उन्होंने यहाँ पे लगाई थी जो कि थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे लाइटनिंग थी जो कि अलग अलग लोकेशन पर उन्होंने लगाई थी, तो वो गैस अभी यहाँ पे ग्लो करती है। पहले भी वो ग्लो करती थी पर उसका कोई इतना इफेक्ट नजर नहीं आता था, पर अगर आप यहाँ पे देखो तो सामने कैसा पूरा ग्लो उसका नीचे यहाँ पे चमकते नजर आ रहा है। तो जहाँ पे भी लाइटनिंग थी वहाँ पे गैस ऐसा कुछ इफेक्ट गैस आपको जो यहाँ पे देखने मिलेगा और ये एकदम बढ़िया गैस यहाँ पे लुक इसका निकाल के दे रहा है। वही आप यहाँ पे देखो तो शो पार्क जो लिखा वाला है उसके अंदर भी इन्होंने यहाँ पे स्नो पार्क जो लिखा वाला है उसके अंदर भी यहाँ पे आपको दिखूंगा एक ग्लो इन्होंने ऐड किया है जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया यहाँ पे नजर आता है। तो ऐसे छोटे मोटे डिटेल्स आप देखोगे तो गाइस इसके अंदर ऐड किए गए हैं और स्पेशल गाइस ग्राफिक्स के अंदर इसके अंदर इंप्रूवमेंट किया और जो स्ट्रक्चर क्वालिटी है जो यहाँ पे क्वालिटी है वो भी यहाँ पे इंप्रूव की गई है। अब सेकंड वाला 8:8 मैंने मैप लगा दिया और इसके अंदर भी गाइस हमें ग्राफिक्स के अंदर नजर आ रहे हैं गाइस बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट, क्योंकि इसके अंदर क्या है ये मैप के अंदर गाइस आपको जो है यहाँ पे पूरा खुला मैप मिलता है और ये मतलब स्नो वाला इसे अलग है बहुत, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्नो वाले में गैस हमें जो है पूरा बंद मैप दिखता था, स्नो वाला पार्क वाला थीम वाला मैप था, पर इसके अंदर क्या है गैस ये गोवा बीच वाला और इसके अंदर क्या है गैस पूरा मतलब ऊपर क्लियर है, पूरा सूरज वगैरह चमकता है। तो इसके अंदर स्पेशल गैस आपको अल्ट्रा ग्राफिक्स के अंदर गैस सबसे पहले तो गैस आपको जो है हाउसेस मिलते हैं जो भी मतलब यहाँ पे लोकेशन मिलती है, इसके अंदर गैस स्ट्रक्चर वगैरह जो है जो मतलब यहाँ पे टेक्स्चर होता है गैस वो गैस आपको यहाँ पे गैस इसके अंदर डिटेलिंग से यहाँ पे बहुत ही भर भर के गैस अभी मिलने वाली है। और स्पेशल आप यहाँ पे सामने पत्थर वगैरह दिखेंगे तो वहाँ पे गैस आप देखते हो कितना सही से गैस हमें जो टेक्स्चर उनका यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके अंदर बात की जाए तो यहाँ पे शैडोज और जो लाइटनिंग वाला पूरा इफेक्ट है वो भी यार बहुत ही बढ़िया गैस यहाँ पे नजर आता है और उसी के साथ यहाँ पे रिफ्लेक्शन गैस आप यहाँ पे देखो तो फर्स्ट पे आपको यहाँ पे प्रॉपर रिफ्लेक्शन मिलेगा। अगर आप यहाँ पे इस टाइप से कुछ इनके अंदर वाली लोकेशन में जाओगे तो वहाँ पे आपको जो कैंडल्स वगैरह रखी होती है जो ऐसे लालटेन वगैरह रखी होती है तो वो भी यहाँ पे ग्लो करती हुई नजर आ जाएंगी। और उसी के साथ यहाँ पे जो ऊपर से विंडो में से जो लाइट आती है वो वाला रिफ्लेक्शन भी यार जो है काफ़ी बढ़िया इन्होंने कर दिया। तो मतलब अल्ट्रा ग्राफिक्स यार काफ़ी बढ़िया वैसे यहाँ पे लग रहे हैं। और यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने इस ग्राफिक्स के अंदर बात की थी तो यहाँ पे ऑफिशियल बोल रहे थे अभी ये अल्ट्रा ग्राफिक्स भी फाइनल ग्राफिक्स नहीं, इसके अंदर और भी आगे चल के यहाँ पे इंप्रूवमेंट होने वाली। तो गाइस मेन बात की जाए तो गाइस अभी ऐसे तो गाइस आगे चल के इंप्रूवमेंट होने के बाद भाई और भी तगड़े गाइस ये जो ग्राफिक्स यहाँ पे होने वाले हैं। अब बहुत कुछ चीज़ें गाइस जो कि आप यहाँ पे
उन दोनों वाले मैप्स को खेलेंगे तो आपको और नोटिस होंगी, पर स्पेशल मुझे जो भी यहाँ पे बड़े चेंज लगे वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पे उन दोनों मैप्स के बारे में बता दिया। अभी हमने यहाँ पे लगा दिया अंडमान मैप। अब अंडमान मैप का वही कुछ आपको सेम सेम सीन मिलता है। इसके अंदर भी अभी इन्होंने पूरा लाइट वाला इफेक्ट यहाँ पे डाला और इसके अंदर भी कैसे आपको फर्श पे ज़मीन पे कैसे यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन वगैरह नजर आएंगे। और एक और बात मैं रिफ्लेक्शन के बारे में आपको बताना भूल गया था, रिफ्लेक्शन कैसे आपको जो है आपका जो कैरेक्टर है उसके ऊपर भी नजर आएगा। आपने अगर यहाँ पे बैग पहनी है, गन वगैरह ले ली है, आपने यहाँ पे हेलमेट वगैरह पहन लिया तो उसके ऊपर भी जो मतलब यहाँ पे सूरज की यहाँ पे किरणें गिरेंगी गेम के अंदर तो वहाँ पे भी कैसे आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगा जो कि देखने में यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ऐसे कुछ चीज़ यहाँ पे कैसे रिफ्लेक्शन की इन्होंने यहाँ पे इस वाले नए अपडेट के अंदर डाली है जो कि देखने में अच्छी लगती है। और अभी वो सेम रिफ्लेक्शन कैसे हमें प्लेन के ऊपर भी नजर आ रहा है अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो, और पानी के ऊपर भी आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो कैसे हमें रिफ्लेक्शन वो जो है नजर आ रहा है। तो ये एक रियलिस्टिक वाला कुछ इन्होंने इफेक्ट डाला जो कि यार इस वजह से जो हमारे गेम के ग्राफिक्स है वो देखने में बहुत ही बढ़िया और काफ़ी मज़ेदार यहाँ पे जो है लग रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जंप वगैरह करते समय आप देखोगे तो उसके अंदर कैसे गैस आपको जो है अभी थोड़े बहुत नीचे से लोकेशन गैस डिटेल में नजर आ जाती है और नीचे जैसे हम यहाँ पे करते तो और भी गैस हमें जो है क्लियर नजर आता है। मतलब स्पेशली बात की जाए ना अल्ट्रा ग्राफिक्स के अंदर वही हुआ है, मतलब जो पूरा लाइट वाला इफेक्ट उन्होंने चेंज किया, कैरेक्टर को शेडो वगैरह दिया, जो टेक्स्चर क्वालिटी होगी या स्ट्रक्चर क्वालिटी होगी जो भी मतलब यहाँ पे बिल्डिंग्स के ऊपर बने होते छोटे छोटे जो लोकेशन होती है उसके अंदर भी आप यहाँ पे क्वालिटी देखोगे वो आपको सारा सारा डिटेल में नजर आएगा। जैसे कि अभी हॉस्पिटल का आप यहाँ पे छत ही देख लो, इसके अंदर भी आपको प्रॉपर रिफ्लेक्शन नजर आ रही है, जो प्रॉपर ऐसी ईट पीट रखते हैं या प्रॉपर जो छत बनाते हैं तो वैसा कैसा इफेक्ट आता है उस टाइप से इफेक्ट पूरा यहाँ पे देने की कोशिश की गई और जो है देखने में पूरा नजर पे आता है। अगर आप यहाँ पे साइड बाय साइड देखोगे, अगर हम यहाँ पे थोड़ा बहुत कैमरा वगैरह भी चेंज करते हैं, गन वगैरह भी घुमाते हैं तो हमें वो प्रॉपर रिफ्लेक्शन वगैरह नजर आता है। पीछे वाले लोकेशन थोड़ी कलर अलग हमें नजर आता है, वहाँ पे थोड़ा अलग रिफ्लेक्शन नजर आता है और सामने वाले जहाँ पे सूरज की किरणें पड़ रही है गेम के अंदर वो यार हमें यहाँ पे अलग नजर आता है। तो ऐसे कुछ ओवरऑल चीज़ें कैसे हमें यहाँ पे इस वाले अपडेट के अंदर मिले। मतलब स्पेशल मैं आपको बताऊँ ना तो भाई सबसे पहले कैसे हमें यहाँ पे जो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर कैसे जो है चीज़ें मिली, उसके साथ यहाँ पे अगर बात की जाए कैसे हम स्नो वाली मैप की तो उसके अंदर कैसे हमें मेनली कैसे जो है ग्राफिक्स के अंदर इंप्रूवमेंट और जो एक बड़ा चेंज इन्होंने किया कि मतलब ऊपर वाला पूरा इफेक्ट यहाँ पे कैसे डाला है। उसके बाद यहाँ पे जो है प्रॉपर लाइटनिंग वाला इफेक्ट उन्होंने डाला है वो है कैसे हमें मेन देखने मिलता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर कैसे वो जो मैंने आपको दिखाया जो गन्स वगैरह के अंदर एमोज होती है वो कैसे भी हमें अनलिमिटेड मिलने के देखने के लिए मिलती है। उसके बाद यहाँ पे कैसे जो थ्रोबल के अंदर कैसे उन्होंने अपडेट डाला है उसके अंदर भी कैसे हमें यहाँ पे जो थ्रोएबल्स का भी एक ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर कैसे हम जो है अलग अलग यहाँ पे चीज़ें जो है चेंज कर सकते हो। तो ऐसे कुछ बड़े बड़े चेंज कर जिन्होंने किए, बाकी मैप के अंदर कैसे हमें प्रॉपर अभी कैरेक्टर के लोकिए मतलब जो है पूरी पूरी यहाँ पे जो है शैडो है कैसे वो लोकेटेड हो ही नजर आते हैं नीचे और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन वगैरह हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो भी कैसे हमें आपको नजर आएगा। तो अल्ट्रा ग्राफिक्स का वही कुछ यहाँ पे जो है पूरा सीन हुआ है। अभी अल्ट्रा प्लस में एक्सट्रीम पे खेला था और वहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा बहुत FPS मीटर के साथ मेरे फ़ोन के अंदर दिखाऊँ तो FPS मीटर के साथ गैस मुझे जो है काफ़ी बढ़िया वैसे FPS मिल रहे थे, 40-45 FPS मिल रहे थे, कभी कभी यहाँ पे 30 तक भी चला जा रहा था। पर ओवरऑल बात किया तो अल्ट्रा ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे से गैस मेरा एक मिड रेंज सा फ़ोन है जो कि अच्छे से झेल ले रहा है और काफ़ी अच्छे से गैस मुझे इसको इस वाले अपडेट को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ नजर आया। तो अभी हम बहुत दिन से वेट कर ही रहे थे अपडेट का कि अपडेट के अंदर क्या कुछ आएगा, पर अभी गैस अपडेट आ चुका और इसके अंदर गैस हमें कुछ इतने बड़े कुछ चेंजेस यहाँ पे गैस नज़र आए। बाकी मुंबई मैप अभी रह गया तो गैस मुंबई मैप को हम जल्द यहाँ पे कंपेयर करेंगे और देखेंगे मुंबई मैप के अंदर कैसा कुछ है। बाकी तीनों मैप्स का मैंने आपको दिखा दिया ऐसा कुछ है, बाकी कुछ मिस हुआ होगा तो आप कमेंट में जरूर से बताना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम सीधा नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर।